सर, तमिलनाडु में जो घटना घटित हुई है, सबसे पहले लगातार हमने ट्वीट किया है। आप मेरे ट्वीट को देख लीजिए, उस पर हमने ट्वीट किया है, उस पर हमने बोला है, उस पर हमने सीएम तमिलनाडु को फ़ोन लगाया, वहाँ के पदाधिकारी को फ़ोन लगाया, उस पर हम लाइव हैं। डेली एयरपोर्ट पर उतरे थे तमिलनाडु, तब तक कह रहा था कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लगातार बिहारियों को कहाँ नहीं मारा गया? बम्बई, दिल्ली, मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर मारा था, हम गए, 100 बम हम पर चलाया, हम रुके। असम में मारा गया था, हम गए, एक भी मणिपुर के ट्रेन को। यदि तमिलनाडु में हत्या नहीं रुकी, मैं बहुत क्लियर आज बात को बता देता हूँ, तो हम संघीय व्यवस्था को ख़त्म तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने आत्मरक्षार्थ के लिए हम विरोध जरूर करेंगे, जहाँ भी तमिलनाडु के लोग बिहार में हों, किसी भी कीमत। और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूँगा, नीतीश कुमार जी से और डिप्टी सीएम साहब से, एक तरफ सैनिक के बाप को मार के उठा के ले गया, आप केक काट रहे हैं, पूरी तमिलनाडु रक्त रंजित है, आप लोग गाली गलौज कर रहे हैं। कोई यूपी में गाली गलौज कर रहा है, कोई बलिया में कर रहा है, कोई पूर्णिया में कर रहा है। कब तक गाली गलौज की राजनीति कीजिएगा? कब तक जात की राजनीति? यदि हिम्मत है तो बचाइए ना, हिम्मत है तो मारिए ना शूटर को ढुक ढुक करके जेल में। जब पागल शेर हाथी और सांप हो जाए तब मारते हैं ना, फिर पागल अपराधी को क्यों नहीं गोली? तमिलनाडु के घटना पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और पीएम से बात करनी चाहिए, वहां के सीएम से बात करनी चाहिए। बिहारियों को जिस तरीके से जानवर खीरा ककड़ी के तरह हमेशा मारा जाता है और उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल इस पर हम लोग जरूरत होगी तो पूरे बिहार में हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, पटना को बंद भी करेंगे।